आपका हार्दिक दोस्तों, आइए हम बोलते हैं क्लास 12th का जो प्रश्न चल रहा है 7.2 यानी समाकलन अध्याय, उसका आज हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे। देखिए 7.2 का जो आपको 5 नंबर क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, कह रहा है कि साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी इजक्वल टू डी एक्स दिया है। यानी देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को शॉर्ट करते ताकि समाकलन निकालने में सुविधा हो। तो आप देखिए, आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो एक्स प्लस बी, यहाँ पर भी एक्स, यानी अब साइन कॉस के फॉर्म में, तो इसके संबंधित कोई सूत्र होता है? हाँ होता है, किले में तो आपने पढ़ा होगा कि क्लास साइन 2a थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोले होता है कि नहीं होता? होता है ना, जब थीटा का वैल्यू समान हो और इंटू में 2 हो तो उसका वैल्यू होता है साइन 2। तो इसमें तो साइन थीटा कॉस थीटा तो है ही, लेकिन क्या इसमें 2 दिया है? नहीं दिया है, यानी 2 रहेगा तभी यह साइन 2 थीटा में बदलेगा। तो इसे समझ बहुत सिंपल होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं 2 लगा देते हैं, कैसे 1/2 इंटू 2 कर देते हैं, अब 2 से 2 काटेंगे तो खत्म हो जाएगा। आइए सेम को सेम लिखते हैं, साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी, हो जाएगा ना। अब इंटू डी एक्स से डी एक्स, अब क्या फायदा क्या, 2 से 2 कट जाएगा, फिर सवाल पहले की तरह हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अब देख लीजिए, लेकिन काटेंगे भी नहीं क्योंकि हमको इतना का फॉर्मूला होता है, खुद का रख दीजिए। इसके हिसाब से 1/2, इसके हिसाब से ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, यानी 2 और थीटा का स्थान पे इतना है ना, रख दीजिए एक्स प्लस बी, कोई दिक्कत। अब सवाल छोटा हो गया, अब बनाने में सुविधा हो जाएगा। यहाँ से 1/4 है तो कमन कर लीजिए, साइन 2 इंटू एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब इसका समाकलन कीजिए तो 1/2, और साइन का समाकलन क्या होता है आपको, सर साइन का, साइन का तो माइनस कॉस होता है ना, इसलिए आपको क्या होता है कॉस को उल्टा होता है, यानी माइनस कॉस हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 2x प्लस बी। अब देखिए एक बार इसका थीटा का भी समाकलन, इसका समाकलन जो डिफरेंशियल होता है वही होता है, लेकिन ये बट्टा में हो जाता है क्योंकि डिफरेंशियल इंटू में होता है। तो देखिए तो डिफरेंशियल तो करेंगे एक्स प्लस बी का, ये करेंगे इसका डिफरेंट 2 कमन हो जाएगा, डिफरेंशियल तो करेंगे, लेकिन इसमें किसमें लिखेंगे, बट्टा में, क्योंकि समाकलन हमेशा जो काम अवकलन में आपको गुणा में होता है ये काम यहाँ पर बट्टा में होता है। तो इसका करेंगे देखिए एक्स प्लस बी को करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 इंटू ए आएगा, यानी 2a आएगा, आएगा ना 2a, यानी यहाँ पर 2a होगा, लेकिन वो किसमें होगा, बट्टा में होगा, होगा ना। अब गुणा कीजिएगा तो देखिए 1/4a माइनस का, ये आपको कॉस 2 इंटू एक्स प्लस बी इंटू प्लस सी, यह इसका आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे के क्वेश्चन भी इससे बहुत सिंपल है। आप देखिए इसको नॉर्मल भाषा में हम लोग जानते हैं कैसे, आप देखिए समाकलन अगर पढ़ना है तो सबसे पहले आपको डिफरेंशियल की पूरी फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमने बताया, अगर आप नहीं देखे सूत्र इसका तो आप हमने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहां से करके उस सूत्र को पढ़ लीजिएगा, इससे क्या हो जाएगा बनाने में आपको सुविधा होगा। अब आते हैं इसके 6 नंबर क्वेश्चन को बारे में बात करते हैं। 6 नंबर आपको क्वेश्चन दिया, रूट अंडर एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स दिया। देखिए ये सवाल बहुत बेटर है, ठीक है, कैसे बनाएंगे? तो पहले हम क्या करते हैं, इसको रूट को ही हटा देते हैं। अब रूट हटाएंगे तो एक्स प्लस बी इसके पावर हो जाएगा 1/2x, हो जाएगा ना, क्योंकि जानते हैं कि रूट हटता है 1/2 से। अब देखिए अब इसके संबंधित फॉर्मूला, तो क्या इसके आप कैसे निकालेंगे, समाकलन करना डिफरेंशिएट तो करना नहीं है। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला हमने बताया था शुरुआत में, एक फॉर्मूला हमने बताया था, जब भी पावर ऐसे हो एक्स प्लस बी इसके पावर एन हो, तो ऐसे कंडीशन में एक फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था कि होता क्या, इसका डिफरेंशियल समाकलन होता है एक्स प्लस बी इसके पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन, यहाँ पर डिफरेंशियल हो जाता है जिसका एक्स प्लस बी का। ये हमने सूत्र बताया था आपको, बताया था ना, रख दीजिए इस पर, सिंपल से आ जाएगा, कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर समाकलन करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस बी इसके एन के जगह पर काम कर रहा है 1/2 इसके पावर एक जोड़ दीजिए, बटा कर दीजिए 1/2 प्लस एक जोड़ दीजिए, डिफरेंशियल कर दीजिए इसके हिसाब से इसको, तो जो थीटा इसमें एक्स प्लस बी को कर दीजिए, अब जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कीजिए क्या हो जाएगा, हो आप देख सकते हैं ये आपको हो जाएगा एक्स प्लस बी इसके पावर देखिए 2/3, यानी आपको हो जाएगा 3/2 बटा, ये भी आपको 3/2 हो जाएगा क्योंकि इसे एलसीएम जोड़िए, इंटू में आपको इसका समाकलन कितना इंटू में आएगा, ए आएगा ना। आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बट्टा देखिए गुणा कीजिए तो आपको बट्टा में ना उलट जाएगा, यानी आपको हो जाएगा 2/3a इंटू एक्स प्लस बी इंटू 3/2 प्लस सी हो जाएगा, कोई दिक्कत। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सुबह, ताकि ऐसे समाकलन का पार्ट बाई पार्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास। जय हिंद, जय भारत।